हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, वेलकम बैक। सो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उसको बता दूँ, माय नेम इज़ अमम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अमम ब्लॉग। सो गाइस आज हम है कुर्सियोंग में, तो हम लोगों का प्लान था दार्जिलिंग का, बट नहीं जा पाए क्योंकि हम लोगों का इंस्टीट्यूट का तरफ से छुट्टी नहीं मिल रही। सो वी केम हियर कुर्सियोंग। तो कैसे कैसे हम लोग आए यहाँ पे, क्या क्या कर रहे हैं, कैसा कैसा यहाँ का नज़ारा है, क्या है, सब मैं डिटेल में बताऊँगी। तो इसी के साथ चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आने वाला है, कैसे दिखाओ ना इधर, बनाने वाले ने कैसे बनाया होगा ना, जूम करके देखने से। वो नीचे से आए हम लोग, नीचे यहाँ से फोग ऊपर जा रहे हैं, बारिश होने का चांसेस है। ओके, तो अभी 15 मिनट का ब्रेक है, देन 20 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन पहुँच जाएगा। आई डोंट थिंक घूम पाएगा ना, बारिश गिर गया लग रहा है। गाइस हम लोग यहाँ आए, पीछे भगवान है और बस से आना इतना भी टफ नहीं था। आई थॉट थोड़ा उल्टी उल्टी होगा, बट नहीं हुआ लकीली। सो अभी ब्रेक टाइम 15 मिनट का, देन 20 मिनट्स का फिर से जर्नी, देन हम लोग क्वेश्चन सीधा। आई थिंक हम लोग ब्लॉक करेंगे शायद बारिश नहीं गिरा तो। सो सीधा मिलते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन में। गाइस आप लोगों को कुर्सियोंग वन एंड हाफ आवर में मिल जाएगा, देन इसके बाद से जो बस होगा वो जाएगा सीधा दार्जिलिंग, जो कि होगा ज़्यादा से ज़्यादा तीन घंटा और आधा लग सकता है। सो ये है कुर्सियोंग का मेन मार्केट। सो अभी हम जा रहे हैं, वो अपना फैन रखेगा, देन सीधा यहाँ से हम लोग थोड़ा घूमेंगे और आज का ब्लॉग यही से हम स्टार्ट भी करेंगे। और यही मेन मार्केट में आप लोगों को टॉय ट्रेन का जो टिकट है वो भी मिल जाएगा, बट थोड़ा महंगा पड़ेगा यहाँ पर। तो सीधा बस से जाने से ही आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, बट व्यू का अगर आप लोगों को मज़ा लेना है, नज़ारा देख के जाना है, तो आप लोग ले सकते हैं टॉय ट्रेन का, बाकी तो एक्सपेंसिव है थोड़ा सा टिकट। तो गाइस ये है रॉक गार्डन, तो यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। मेरे ख्याल से गाइस आप लोग अगर दार्जिलिंग नहीं आ सकते और दार्जिलिंग का व्यू का मज़ा या दार्जिलिंग का वाइब्स का जो भी मज़ा है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग कुर्सियोंग भी आ सकते हो जस्ट 50 रुपये में। तो हम लोग पहले गए थे कुर्सियोंग, वहाँ पे कुछ सामान पहुँचाना था, सो सामान रख कर हम यहाँ पे व्यू पॉइंट पे आए, जहाँ पर आने तक हम लोगों को लगा 30 रुपीज़ पर पर्सन। सो वी केम हियर एंड यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। मौसम थोड़ा अच्छा होता तो थोड़ा धूप होता तो ज़्यादा अच्छा होता वहाँ पर जाने के लिए, बट क्या करे, फोगी फोगी बहुत अच्छा है। हम लाइकिंग इट गाइस। और सी कितना सारा वहाँ पे टूरिस्ट का गाड़ी है, बारिश होने वाला है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करो। सिलीगुड़ी में भी वैसे आज थोड़ा सा बारिश वाला मौसम है, टूरिस्ट का तो क्या ही बोले। पे हम लोगों को चाय पीने का मन कर रहा है, सो वी आर गोइंग फॉर चाय, सम चाय। तो थोड़ा आगे जाते ही आप लोगों को लेफ्ट साइड में सुभाष चंद्र बोस का म्यूज़ियम मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, हम लोगों ने अंदर जाकर देखा था। 1934 में सुभाष ने लिखा ना, शरद चंद्र बोस। फ्लॉप। हम वही हम सोच के भी नहीं सोच पा रहे थे ये चीज को, लेकिन नहीं 1934 का अभी तक ऐसी
पूरा ध्यान से। नहीं, हम लोगों ने एक भी नहीं तोड़ा और हम लोग लवर से नहीं तोड़ेंगे। सी गाइस, अच्छा है। व्हाट अ व्यू, माय गॉड। तो आप लोगों को कोशिंग में रॉक गार्डन देखने को मिलेगा, देन उसी के सामने ऑपोजिट में आपको मिलेगा ये सुभाष चंद्र बोस का। सो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम लोगों ने देखा सुभाष चंद्र बोस का, जितना भी फैमिली लोगों ने जो भी चेयर बेड जो भी रूम ये सब यूज़ किया था वो सब इसके अंदर, एंड उनका जो हिस्ट्री है उन्होंने क्या क्या किया वो सब पिक्चर्स में है। इतना कुछ नहीं है बट उसका कहानी अगर आप लोग पिक्चर्स के थ्रू जाएगा तो मिल जाएगा आप लोगों को जानने को बहुत कुछ। सो हम लोगों ने देखा, तो कैमरा अलाउ नहीं अंदर, सो वी केम आउट। घर में पूरा घुसने वाला, इतना सुंदर घर ऐसी है, इतना मेहनत, इतना प्यार से रखा होगा घर को। ये है ना, इसको खाता है ना, नाम भूल गया। थोड़ा रफ है क्या? नहीं ये वही है, पसीट के ये देखो ना, नमची वाला है, नाम भूल गया, नाम नमची बड़वा बोल दे, नमची बोल, नाम नहीं भूल गया, नमची बड़वा। जो ये टी गार्डन है ये आपको रॉक गार्डन का नीचे ही मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सुंदर था। बट हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गया था, तो वी केम आउट एंड थोड़ा सा घूमा, फिर से थोड़ा ब्लॉक करने के लिए ट्राई किया बट हो नहीं पाया। बट मैंने ट्राई किया कि कैप्चर कर पाओ जितना सका। धूप निकलने का कोई वो नहीं दिख रहा, संभावना नहीं दिख रहा, सनसेट का पता नहीं, सनराइज का पता नहीं, सनसेट हो गया जैसा फील आ रहा है। पूरा फोक फोक फोक, जिसका वहाँ में गर्मी है उन लोगों को ये फोक देखे कितना मज़ा आएगा। सबको लगेगा वाह काश हम लोगों का होता, कितना फोक है। सी वी आर इन रॉक गार्डन नाउ यार, बट लगाया था रील्स बनाने के लिए बट फोक का वजह से कुछ भी विजिबल नहीं है। सी घूमने के बाद हम लोग आ गए इस रेस्टोरेंट पे जहाँ पे हम लोगों ने मोमोज खाया, जो कि था 120 का प्लेट, जो कि थोड़ा भी टेस्टी नहीं था मेरे तरफ से। आई डोंट नो बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है, ऑनेस्टली भी दे रहे दोस्तों का लगी वो भीतर जब लो। व्हाट अ व्यू, ऐसे कि फोक ऐसे घूमने के लिए ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए ना इतना वो नहीं है। एंड गाइस आप लोग एक ही दिन में पूरा क्रोशियम एक्सप्लोर कर पाओगे। सो गाइस फाइनली यहाँ से व्यू देखने को मिल गया है, विद होप कि आज देखने को नहीं मिलेगा अनलक के बाद से। कितना अच्छा व्यू, ये क्रोशियम का है। एंड गाइस आप लोगों को बता दो कि अगर आप लोग क्रोशियम आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोग जलपाईगुड़ी से सीधा बस लेके आ सकते हो। बस का जो प्राइजेस होगा वो होगा 50 रुपीज़ और 60 रुपीज़ का अंदर ही होगा, आपको सीधा बस मिल जाएगा गवर्नमेंट बस, उसमें आप लोग आ सकते हैं। और ऐसे जो प्राइवेट बस है उन लोग से भी आ सकते हैं, उन लोगों का जो प्राइजेस होता है वो 200 to 150 का अंदर होगा। और आप लोग एक ही दिन में क्रोशियम को घूम सकते हैं और वापस सिलीगुड़ी भी जा सकते हैं। तो पहला हम लोग जो गए थे वो था रॉक गार्डन, जो कि काफ़ी अच्छा था, वहाँ पर नो एंट्री फ्री। और ये है ईगल गार्डन, जहाँ पे आपको ऊपर जाने से जहाँ पे लोग बहुत घुड़ घुड़ के हमें देख रहे हैं वहाँ पे आप लोग जाकर पूरा व्यू पॉइंट देख सकते हो, वहाँ से पूरा व्यू पॉइंट है। और रॉक गार्डन से भी आप लोगों को व्यू पॉइंट जो मिल जाएगा और यहाँ से भी आप लोगों को मिलेगा। सो काफ़ी अच्छा सुंदर सा जगह है, तो आप लोग एक ही दिन में क्रोशियम का पूरा जो टूर है आप लोग आकर विजिट कर सकते हो। सो नेक्स्ट मेरा जो ब्लॉग होगा आई थिंक मैं जाऊंगी दार्जिलिंग, मेरा प्लानिंग है, आई डोंट नो कब बट या जरूर। व्यू पूरा क्रोशियम देते से मैंने जस्ट एक सेकंड पहले यहाँ पे ब्लॉग किया था एंड फॉग फिर स्टार्ट हो गया। मौसम का चेंजेस होता है सो बता नहीं सकते कि कब बारिश कब धूप है, सो फिर से फॉगी।
एंड गाइस आपको यहाँ पे खाने पीने का भी मिल जाएगा, कैंटीन सामने ही है, प्राइजेस भी इक्वल है जैसे नीचे वैसे यहाँ पे भी है। और आप लोगों को यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मैं क्या ही बताऊँ, अभी सिलीगुड़ी में इतना गर्म है और कोशियंग में ऐसे फोगी फोगी मौसम, बारिश बारिश होके बैठा है, सो बहुत ही अच्छा है। यू गाइस कैन कम कभी भी एंड एंट्री फी ओनली 10 रुपीज़। तो यहाँ से अभी हम थोड़ा खाएंगे पियेंगे देन चलेंगे। सो गाइस इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करूँगी, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ईगल गार्डन से अभी मैं जा रही हूँ घर, देन नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट डे कहाँ घुमाएगा पता नहीं फ्रेंड, तो कल नेक्स्ट ब्लॉग होगा। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। टिल देन बाय बाय।